इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक आपकी आवाज। मुंबई के औरंगाबाद में मालगाड़ी ट्रेन से ट्रैक पर 15 प्रवासियों को रौंदा, जबकि एक घायल हुआ है। ये घटना काफी दर्दनाक है। यह हादसा औरंगाबाद के जालना रेलवे स्टेशन के पास हुआ। यह हादसा शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे हुआ। मजदूर छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। ये लोग पैदल अपने घर जा रहे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे का जायजा लेने के लिए स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके कारण ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे और सीधा रास्ता पकड़कर इन्होंने रेलवे लाइन को चुना। इनके साथ ये दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो गया। दक्षिण सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि औरंगाबाद में एक हादसा हुआ। मालगाड़ी का एक खाली डिब्बा कुछ लोगों के ऊपर चढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन और आरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। ये लोग पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे। रात होने पर ये लोग रेलवे ट्रैक का सहारा ले लिए, इसके कारण ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहां पर रेलवे ट्रैक का सहारा लेकर ये लोग लेट गए थे। लॉकडाउन का जब पहली बार ऐलान हुआ था तो जो प्रवासी मजदूर जहां थे वहीं पर फंस गए। खाने की दिक्कत को लेकर ये लोग घर वापस जा रहे थे। प्रशासन ने कुछ दिन पहले ट्रेन और बस से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर अमल नहीं हो सका, जिसकी वजह से मजदूर मजबूर होकर पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। रणवीर कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अरे एक चाटला एक ना काय होणार नाही इथं, एक गाडी ना काही नाही होणार, एक चाटला इथं प्रायव्हेट गाड्या लागल नाही माझं ते सांगितलं राजूला। अभी रेलवे पटरी से है ना, ब्रिज चालू है क्या? ब्रिज ब्रिज से सीधा आने का पटरी पटरी बाद में लिखेंगे तेरे को। इमरान है क्या? बैठे बैठे घूम गए लगता है, बैठे बैठे घूम गए।